दिस शो इज प्रेजेंटेड बाय जयश्री कॉलेज। करें अपने सपनों को साकार। प्रणाम उत्तराखंड, देवभूमि की इस पावन धरती पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पगडंडी जैसे कि आपको हर दिन एक नए शहर पे मिलती है, एक नई जगह पे मिलती है, और वैसे भी उत्तराखंड को एक पावन धाम माना जाता है, देवभूमि कहा जाता है। चार धाम हमारे इस उत्तराखंड पे मौजूद हैं, और साथ ही साथ जब हम आस्था की दृष्टि से इसे देखते हैं तो हमें अलग अलग अलौकिक चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो फिलहाल इस वक्त हम मौजूद हैं रामनगर में, और रामनगर में आज हम आपको दर्शन कराने वाले हैं एक अद्भुत अलौकिक जो माता हैं उनकी, जिनको ये क्षेत्रवासी सभी लोग पूजते हैं, मानते हैं, गिरिजा माता से। तो आओ आज गिरिजा देवी के मंदिर चलते हैं, और मंदिर जाने से पहले सबसे पहले हम थोड़ा प्रसाद ले लेते हैं, क्योंकि वो जो बहुत ज़रूरी है और जिसका अपना एक महत्व है सनातन धर्म पे। तो भैया एक प्रसाद दे दो मुझे। उत्तराखंड में हर चीज़ का महत्व है। क्या नाम है आपका? मोहित। ठीक है, 51। 51 ही क्यों लेते हैं बताओ? एक रुपये शगुन का होता है। क्या बात है, चलो मैं बताता हूँ क्यों लेते हैं 51 रुपये। देखिए हर चीज़ का एक अपना महत्व है। जैसे कि मैंने ये प्रसाद लिया, तो सनातन धर्म पे क्या होता था, पहले से 1 रुपये पे होते थे 16 आने, और भेंट देते थे हम 20 आने। तो 20 आने भेंट देते थे, तो मतलब 125 रुपया करीबन हम भेंट देते थे। तो 1 रुपया वहाँ पर भी कॉन्स्टेंट था, 1 रुपये को माना जाता है शुभ। क्योंकि होता क्या है कि आपने कभी देखा नहीं होगा कि 20 रुपये 30 रुपया इस तरह के हम जो है आकलन करते हैं। 0 जो है शून्य, और 1 जो उसमें एक पॉजिटिविटी लाता है वो है 1 रुपया। इसलिए हम 1 रुपये का प्रयोग करते हैं शगुन के रूप पे, और सबकी अलग अलग मान्यता है। कहते हैं कि कोई भी रिश्ता जोड़ने पे जो हम नेक देते हैं उसमें 1 रुपये का बहुत बड़ा महत्व होता है। अब देखिए पहले समय में जब वैसे की वैल्यू, रुपये की वैल्यू कम थी, तब भी हमने क्या किया था, तब भी हमने आने के रुपये पे 1 रुपये को कॉन्स्टेंट रखा था। 1 रुपये कॉन्स्टेंट मतलब 1 रुपया 25 पैसा, यानी कि 20 आने के आसपास। और अभी भी हमने 1 रुपया कॉन्स्टेंट रखा, यानी कि 21, 51, 101 या 1001 जितना भी आप दें वो एक शगुन है। तो एक परंपरा है, और संस्कृत पे हमारे उद्गम में ये भी कहा जाता है कि हे ईश्वर हमें इतना देना कि हमें सोचना ना पड़े कि दूसरे को देने पर हम मजबूर ना हों, तो इतना मुझे देना कि मैं दूसरे को देने के लिए आसानी से अपने जेब से पैसे खर्च कर सकूं। तो ये है हमारी सभ्यता, ये है हमारी संस्कृति। आओ आपको मंदिर की तरफ ले चलते हैं, और आज आपको दर्शन कराते हैं गिरिजा देवी मंदिर। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थितः नमस्तस्ये 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 नमो नमः। अभी हम गिरिजा देवी मंदिर के प्रांगण में हैं, और वास्तव में यही मंदिर की खूबसूरती है, यही हमारी इस पावन देवभूमि की खूबसूरती है कि यहाँ आकर मन बिल्कुल शांत हो जाता है, और एक अलग तरीके का अनुभव है, एक अलौकिक अनुभव है जिसको हम शब्दों पर बयां नहीं कर सकते। और जिस तरह से माता रानी का इस मंदिर का और इस प्रांगण का इतिहास रहा है वो वास्तव में बहुत ही खूबसूरती से हम उसको बयां कर सकते हैं। लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं, देवी माता रानी के दर्शन करते हैं, और दर्शन के पश्चात
इस मंदिर पर आते हैं। कोसी नदी बगल पर बह रही है, गिरजा माता के मंदिर की सीढ़ियाँ आप खूबसूरत देख सकते हैं। तो आइए पहले गिरजा माता रानी के दर्शन करते हैं, उसके बाद आगे की ये यात्रा जारी रखेंगे। तो फिलहाल मंदिर पहुँचे, मंदिर के दर्शन किए और मेरे साथ यहाँ पर एक भाई साहब मौजूद हैं जो कि यहाँ पर प्रसाद जो है माता रानी का जो प्रसाद है वो भक्तों तक पहुँचाने का काम करते हैं। तो भाई साहब क्या नाम है आपका? रविशन साहब। कब से काम कर रहे हैं? मैं 74 से 74 से सन 74 से 74 से माता रानी की सेवा कर, माता रानी के चरणों में है और यहीं से अपना लालन पालन पेट का गुजारा होता है हमारा। तो ये कुल देवी मानी जाती है? ये हमारे कुल देवी है, माता पार्वती हैं। 2000 वर्ष पुराना मंदिर है और हमारे माता पिता लोग पहले इसमें सीढ़ियाँ नहीं थी, इसके बारे में हम कुदाल से खोद के हमने मिट्टी पे सीढ़ी बनाई। पहले वाले तो घास पकड़ गए, दूसरा हमने कुदाल में रस्सी खोद के बनाई, फिर बाद में धीरे धीरे ऐसी जब मैं मंदिर चलते रहा तो फिर सेठ आए, उन्होंने कोई सीढ़ी बनवाई, किसी ने छत लगवाई, फिर गवर्नमेंट ने पुल बनवाया। तो आज माता पार्वती का धाम है, हमारा गिरजा धाम है। मैं निवासी सुंदरखाल का हूँ और सन 12 जून 74 से गाँव बसे हुए हैं। जंगली जानवरों के साथ गिनती लगाई है हमारी, जंगली जानवरों के साथ गिनती लगाई है। कैसे ऐसे लगाई है कि वन ग्राम लिखा है कागजों में। हमारे गांव में बिजली पानी कुछ नहीं और 20 साल हमारे उत्तराखंड राज्य को बने हुए हो गए, 18-19 सीएम चेंज हो गए, लेकिन हमारा विकास किसी ने भी कुछ नहीं किया और हमें भरोसा भी नहीं है। वैसे वोट दे रहे हैं, वोट तो दे रहे हैं अपने कर्म करने हमें, लेकिन मेरा कहना ये था कि मीडिया से अगर जल्दी जल्दी हमारी कुछ जनाई सुनाई हो जाती, लाइट भी लग जाती, शेर का आतंक अलग से है, हाथी अलग से कुछ पैदा होता, हाथी छपरा तोड़ देता है, शेर कम से कम 20-25 महिलाएं और रेंज खा चुका है और गांव से, तो क्या बताएं, ये चीज़ों की समस्या है। ठीक है, हम आपके गांव जा रहे हैं। सरकार बन मानसों में गिनती रखी है सरकार ने हमारी, जबकि वोट भी देते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारे कोई सुनाई सुनाई नहीं, कोई लाइट नहीं, कोई पानी नहीं, कोई सुविधा नहीं जी। और उतने वनवासी मानुष घोषित कर दिया हमें, जबकि हम उत्तराखंड के नागरिक हैं, देवभूमि के, देवताओं के गढ़ में भी हैं। तो क्या बताऊँ, अगर आगे आप गांव में जा करके और किसी सज्जन से पता करिए साहब, मुझे थोड़ा सा इतना ही ज्ञान है, मैं बता रहा हूँ आपको। गांव जाऊंगा पक्का और वहां पर पता करूंगा। तो फिलहाल मैं जानता हूं कुछ माता रानी के बारे में, बताइए मेरा नाम, प्रसाद क्या क्या चढ़ाया जाता है? प्रसाद हमारे यहाँ माता रानी का प्रसाद चुन्नी, नारियल, धूप, सिंगार, घंटी और बड़ी चुन्नियाँ, एक से एक मॉडल डिजाइन की चुन्नियाँ होती हैं, एक से बड़ी घंटी होती हैं, 1.25 किलो से स्टार्ट, 10 किलो, 5 किलो तक, 20 किलो तक घंटे हमारे पास होते हैं। माता की चुन्नियाँ होती हैं, नारियल, धूप, चुन्नी, सिंगार इत्यादि, माता का पूरी सामग्री, पूजा की सामग्री सब बेचते हैं हम लोग। 21, 51, 11, 101, 5001, 1101। एक एक वाला बताइए, एक एक क्यों चढ़ाते हैं? मैं कह रहा हूँ एक के साथ 11, 21 से भी स्टार्ट है प्रसाद माता का। नहीं, एक एक रुपये का क्या महत्व है? एक रुपये का शिष्टाचार यही तो होता है कि एक रुपये मेन होता है उसमें, 11 रुपये की कोई जितनी, 10 रुपये की कोई जितनी, जो 1 रुपये की है। अच्छा, 1 रुपये बचता भी है और 1 रुपये भेंट भी है माता की। क्या बात है, तो 1 रुपया बचता भी है, 1 रुपया भेंट भी है। चलो आगे चलते हैं। गिरजा देवी मंदिर का एक अपना महत्व है और ऋषि मुनियों की बात करें, कत्यूरी राजवंश की बात करें, चंद राजाओं की बात करें, गोरखाओं की बात करें या उसके बाद अंग्रेजी शासक प्रशासकों की बात करें, तो इन सभी ने इस भूमि का आनंद लिया है, इस भूमि पर वो रहे हैं और जगह जगह इसका उल्लेख भी किया गया है। ये जगह जो है रामनगर मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है, सुंदरखाल नामक गाँव में, और जिम कॉर्बेट पार्क इसकी खूबसूरती को और भी बढ़ा देता है। माता रानी का एक टीला जिस जो इस पूरे क्षेत्र पर एक आकर्षण का केंद्र है, 90 सीढ़ियों से होता हुआ ये सफ़र बहुत ही आनंदमयी है और साथ ही साथ
90 सीढ़ियाँ अगर आप अपने घर की चढ़ते हैं तो आपको एक थकान की अनुभूति होती है, लेकिन जब इस मंदिर की दिव्यता पर आप चढ़ते हैं तो वास्तव में ये एक आकर्षण का केंद्र है कि आपको थकान महसूस नहीं होती है। फिलहाल मैं आपको बता दूं, गिरिजा देवी मंदिर यानी गिरिजासुत यानी गिरिराज जो पर्वत है उनकी पुत्री कहें, शिव जी की अर्धांगिनी कहें, या हम सभी की कुलदेवी या कुलमाता जिन्हें हम गिरिजा देवी मंदिर के नाम पर जाते हैं। बगल में कौशिकी नदी से निकलती हुई कोसी नदी के किनारे ये दिव्य मंदिर भव्य मंदिर स्थित है। और पुराणों में कहा जाता है कि इस मंदिर की जो परिक्रमा है वो शेर किया करते थे, और शेरों से वन्य जानवरों से ये क्षेत्र घिरा रहता है, और इसी कारण से जो इसका साइंटिफिक रीजन है कि यहाँ पर कॉर्बेट जिम नेशनल पार्क जो कि पूरे विश्व भर में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है वो भी आप देख सकते हैं। जब भी आप गिरिजा देवी मंदिर आएँ तो कहा जाता है कि कोसी नदी में स्नान करने के बाद ही आपकी ये यात्रा जो है पूरी हो जाती है। और सबसे कमाल की बात क्या है कि जैसे कि उत्तराखंड देवों की भूमि कही जाती है, देवों की भूमि मानी जाती है, और देवों की भूमि की यह दिव्यता है और ये हमारी आत्मा में, ये हमारे सौंदर्य पे है कि वास्तविकता यह है कि ये उत्तराखंड, ये देवों की भूमि यहाँ पर अपने को सौभाग्यशाली बनाती है कि ये वास्तव में मंदिरों का और वास्तव में हमारी देवी देवताओं का धाम है। मान्यता है कि इस मंदिर की पुनःस्थापना हुई थी। ये मंदिर यहाँ से पहले कौशिकी नदी के पास था, जहाँ पर खनन के दौरान कुछ मूर्तियाँ मिली जो कि जिनको मंदिर का रूप के रूप में स्थापित किया गया। तत्पश्चात एक आपदा में ये किला बहकर आया, लेकिन मैया के मंदिर को कुछ भी नहीं हुआ। मंदिर वैसा का वैसा ही था, किला बह के आया, और यहाँ पर भैरव देवता का एक मंदिर हुआ करता था। तो भैरव देवता ने आग्रह किया कि बहन आप यहाँ रुक जाओ, हमारी पहाड़ी पे कुमाऊनी भाषा पे एक कहावत भी है। तो यहाँ पर रुकने के आग्रह के बाद गिरिजा देवी मंदिर ने खुद ने माता ने अपने खुद को स्वयं को यहाँ पर स्थापित कर लिया। और आप देख सकते हैं किस दिव्यता के साथ, किस भव्यता के साथ भैरव देवता का मंदिर भी यहाँ पर स्थापित है, जहाँ पर खिचड़ी उनको चढ़ाई जाती है। खिचड़ी क्या होता है कि उड़द की दाल पहाड़ों पर, उसमें चावल को मिलाया जाता है और भैरव देवता को चढ़ाया जाता है। और यही वास्तविकता है, यही दिव्यता है हमारे उत्तराखंड की, यही दिव्यता है हमारी देवभूमि की। और है गिरिजा मंदिर के सामने बसने वाली कोसी नदी का अपना एक महत्व है। और कहा जाता है कि जो भी भक्त गिरिजा देवी मंदिर आता है उसका कोसी नदी पर स्नान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें स्नान करने से ही ये यात्रा पूरी मानी जाती है। कोसी नदी का जो लंबाई है वो 235 किलोमीटर के आसपास है। कोसी नदी की लंबाई 235 किलोमीटर के आसपास है, और उद्गम स्थान इसका माना जाता है कौसानी। वैसे ये नदी रामगंगा की सहायक नदी मानी जाती है, और कोसी को श्रापित नदी भी कहा जाता है। पुराणों में, स्कंद पुराण में इसका नाम कौशिकी नदी कहा जाता था, लेकिन आधुनिक समय में ये ज़्यादा विख्यात है कोसी नदी के कारण। पुराणों पर जैसे मैंने बताया कि इसका एक अपना महत्व है। इसका महत्व क्या कहता है, इसे एक श्रापित नदी कहा जाता है। श्रापित नदी क्यों कहा जाता है मैं बताऊँ तो, कोसी की 7 बहनें थी अलग अलग नदियों के रूप पर, और एक बार कोसी की 7 बहनों के बीच में बात हुई थी कि हम एक साथ जहाँ जाएंगे साथ जाएंगे, लेकिन कोसी थोड़ा गुस्सैल जो इनकी प्रवृत्ति थी और थोड़ा सा आक्रामक जो प्रवृत्ति थी, वो अपने बहनों का इंतज़ार करती है, बहुत देर तक बहनें नहीं आती, जिस कारण से कोसी गुस्सा हो जाती है और अकेले चले जाती है। तब से इस श्रापित नदी का दर्जा दिया गया, और इसकी लंबाई जैसे मैंने कहा कि 235 किलोमीटर के आसपास है, और जगह जगह ये निकलती हुई हमारे रामनगर पहुंचती है। कौसानी से होते हुए रामगंगा की सहायक नदी के रूप में जानी जाती है। अल्मोड़ा काकड़ी घाट कैची धाम से होते हुए ये यहाँ सम्मिलित होती है, यानी कि नगर में सम्मिलित होती है। तो इस तरह से कोसी का अपना महत्व है। आज हम गिरिजा देवी मंदिर पे थे, यहाँ के दिव्य दर्शन हमने आपको कराए। ऐसे ही हम जगह जगह जाकर मंदिरों से आपको रूबरू करवाएंगे, ताकि आपकी आस्था
जो आप घर बैठे बैठे इसे देख सकें। फिलहाल हम रामनगर में हैं, और भी जगह हम आपको ले जाने की कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ बने रहें, देखते रहें पगडंडी। और कैसी लगी आपको ये जानकारी, कैसा लगा ये मंदिर, हमें ज़रूर बताएं। शुक्रिया। जय श्री कॉलेज अल्मोड़ा आपको होटल मैनेजमेंट के साथ ही पैरामेडिकल और मैनेजमेंट के क्षेत्र में भी सफल बनाता है। यहाँ आपके लिए डिजिटल क्लासरूम के साथ ही आपको मिलती है मॉडर्न कंप्यूटर लैब्स, बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल, वाईफाई इनेबल कैंपस और एक होमली एनवायरमेंट। तो देर किस बात की, करिए अपने सपनों को साकार। जय श्री कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड प्रोफेशनल स्टडीज।